हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस को मैं आपको विद इन 1 to 3 सेकंड्स में सॉल्व करना सिखाऊंगी। जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आप इन्हें और कम समय में सॉल्व कर सकेंगे और ये आपकी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में, किसी भी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं कि हम इन 15 क्वेश्चंस को कितने मिनट में सॉल्व करते हैं। आंसर होगा 120। 150 इंटू 5 विल बी 600। 180 इंटू 25 विल बी 4500। 72 3 4 7 6 3 0 8 5 7 7 0 6 1 9 8 and 1 3 3 1। गाइस, देखा आपने, मुझे मुश्किल से इन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगा है। आइए मैं आपको आज सिखाती हूँ कि मैंने इन क्वेश्चंस को कितने जल्दी सॉल्व किया है और किस मेथड से सॉल्व किया है। आज मैं सिर्फ आपको 4 से 5 ट्रिक बताऊंगी कि अगर किसी भी नंबर को 5 से इंटू करना हो तो उस 5 से इंटू करने के लिए हम क्या करेंगे। जिस नंबर को 5 से इंटू करना हो उसको हाफ़ कर दीजिए। 20 का आधा होता है 10, और अगर 5 है तो 10 बढ़ा दीजिए। बस यही आपका आंसर है। फिर से आप देख सकते हैं, 160 का हाफ होता है 80, और 10 बढ़ा दिया 800, यही हमारा आंसर है। 620 का हाफ 60। 5 से इंटू करना है तो 10 बढ़ा दिया 600। आप चाहे जितना बड़ा नंबर हो इस नंबर का हाफ करिए और 10 बढ़ा दीजिए, आपको 5 से इंटू करने पे जो आंसर मिलेगा वो डायरेक्टली मिल जाएगा। 720 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 6, 2 6 12 एंड 0, एक और 0 बढ़ा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर 5 की जगह हमें 25 से इंटू करना हो तब क्या करेंगे। 25 से इंटू करने के लिए यहाँ पे हमने इसका हाफ़ किया था, यहाँ पे हम इसका हाफ़ ना कर करके इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने 4 3 12 0। अब 5 से डिवाइड कर अगर हमें 5 से डिवाइड इंटू करना था तो हमने सिर्फ 10 बढ़ा रहे थे, लेकिन 25 से इंटू करने पे हम 20 बढ़ाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। 25 से इंटू करना है, 25 से इंटू करने के लिए इसका हम 1/4 ले लेते हैं, 1/4 यानी 1/4। 1/4 इसका क्या होगा, देखिए 4 1 4, 1 कैरी गई, 4 3 12, 2 कैरी गई, ये 5 00, ये रहा हमारा आंसर। ठीक वैसे ही 480 को अगर हमें 125 से इंटू करना है तो 125 से इंटू करने के लिए इसका हम 1/8 यानी 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 6 48 होता है 0। 125 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो अब हम यहाँ पे 3 0 बढ़ाएंगे, यही हमारा आंसर है। देखिए विद इन 1 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। अभी आपकी जब प्रैक्टिस धीरे धीरे आप इसे कर लेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा। 144 को 125 से इंटू करने के लिए फिर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 8, 6 कैरी गई, 8 6 8 8 64, और 125 था तो 3 0 बढ़ा दिया हमने।
यही हमारा आंसर है। मान लीजिए अब 625 है, 625 से अगर हमें इंटू करना है, तो 625 से इंटू करने के लिए हमने इसका 16 से डिवाइड करना है। 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 × 9 = 44 होता है, और 625 से इंटू करने पे हमें 40 बढ़ा देने हैं। ये हमारा आंसर है। 200 को 625 इसका, अगर मान लीजिए पॉइंट में भी, मे बी इनको सॉल्व करने पॉइंट में भी हमारे आंसर्स आ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट लगाइए, उसके बाद जितने ज़ीरो आगे बढ़ाने हैं उतने बढ़ा करके आप अपने आंसर दे दीजिए। जैसे 200 को 16 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.5, क्योंकि इस यहाँ पे 625 है, तो 625 को इंटू करने पे हम 625 से इंटू करने पे हम यहाँ पे 40 इंक्लूड करते हैं आगे इसके। तो जब इसे इससे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 125। 1, 2, 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए बेसिकली हमने क्या किया है, हमारी शॉर्ट ट्रिक है, अगर कुछ ट्रिक दे रखी है हमें कि अगर हमें 5 से इंटू करना हो किसी भी नंबर को, तो हम सीधा सीधा उसका हाफ करेंगे और एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, यानी 10/2 कर देंगे। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि 10 से हम उसको इंटू कर दें और उसका हाफ कर दें। 25 से अगर हमें इंटू करना है किसी नंबर को, तो उसको हम 100 से इंटू करके 4 से डिवाइड करते हैं, और 125 से इंटू करना है तो 1000 से इंटू करके 8 से डिवाइड करते हैं। वो हमारा इजी होता है। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फॉर 625 किसी भी नंबर को 10000 से आप इंटू करिए और 16 से डिवाइड कर दीजिए। या आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आपके ये चीज़ हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर आपको 11 से इंटू करना है, तो 11 से किसी भी नंबर को इंटू करने पे सबसे इजी तरीका है कि मान लीजिए 11 को किसी भी नंबर से आपको इंटू करना हो, तो आप करिए पहले हमेशा यहाँ से स्टार्ट करिए, राइट हैंड साइड से। 2 था, हमने 2 डिजिट लिख दिया, 2 में 1 प्लस किया 3, और ये जो 1 लास्ट डिजिट होगा उसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो उसे ऐसे ही लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 लास्ट डिजिट, 3 में 3 प्लस किया 6, इस 3 में 1 प्लस किया 4, और इस 1 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे आंसर हो गए। 1 7, 3 + 1 = 7, 6 + 4 = 10, 10 में हम 10 नहीं लिखेंगे बल्कि 10 में 0 लिखेंगे और ये कैरी चला जाएगा। 4 + 1 = 5, 5 आएगा लेकिन इस 5 में ये 1 प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, 1 ऐसे ही उतर जाएगा। तो ये हमारा आंसर। 11 को अगर हमें 2261 से इंटू करना है, तो 1 7 8 4 2, ये हमारा आंसर विद इन 1 सेकेंड। 11 से इंटू करना है 171, 1881, दिस इज द आंसर। नाउ 212 को इंटू करना है 11 से, 2 3 3 2, ये हमारा आंसर। देखा आपने हमने कितने इजी तरीके से इसे सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपको मुझे मेरा ये टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।